بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة

अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्ला वसल्लम को और आपके साहबा को वो बेमिसाल मिसाल फ़तेह याता फरमाई थी कि जिसकी मिसाल पूरी आलमी तारीख में नहीं मिलती इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज सतर रमज़ानमबारक को ग़ज़वे बद्र के तल्ल से कुछ ज़रूरी मालूम आपकी ख़िमत में पेश करूँ गज्व बद्र के तल्ल से चौथे पारे में भी और नवे पारे में भी और दसवें पारे में भी तस्करे मौजूद हैं जब सिलसिले खुलासे तरवी चल रहा था तो उसमें हज़ब बद्र का कोई ज़िक्र नहीं आया था इसलिए आज अट्ठारहवें और उन्नीसवें पारे में से आयात का इंतखा करके कुछ ख़ुलासा पेश करने के बजाय बद्र के तालुक से आपकी खिदमत में कुछ चीजें पेश करने की कोशिश करूंगा नबी करीम वसल्लम की कुल तेईस साल पैगम्बराना जिंदगी दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है आप वसलाम की तेईस साल पैगम्बराना जिंदगी में से तेरह साल मक्की हैं और दस साल मदनी है नबी करीम सल्लाम अपनी मक्की जिंदगी में जिन सऊबतों को जिन दुश्मनियों को जिन परेशानियों को बर्दाश्त करते रहे वो तारीख और सीरत की किताबों में भी और खुद कुरान करीम में उसकी तफस के साथ में पूरी तफसल के साथ में तस्करे मौजूद हैं नबी आख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम को मक्की जिंदगी में दुश्मनान इस्लाम की जानब से तान तशनी सुनने पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हुए लोग तरह तरह की बातें करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हर गुफ्तगू को सुनकर अपने आप के ऊपर काबू रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र फरमाते थे और उसका कोई जवाब उनको नहीं देते थे एक वक्त वो भी आया कि उन्होंने तालीमात कुरानी में शकूक शबहात पैदा करने की कोशिश की लेकिन जाहिर है कि कुरानी मुकदस जैसी अजीम किताब के बिलमक़ाबिल कोई भी बात कैसे ठहर सकती थी एक वक्त वो भी आया कि उन्होंने कुरानी क़स्ों के बिलमक़ाबिल कुछ किस्से वज़ा किए और इसमें भी उनको नाकामी हुई खुद उनके अपने लोग ये कहते थे कि जो हकीक़त और जो बलागत और फसाहत कुरानी मजीद के क़स्ों में मौजूद है वो तुम्हारे वज़ा करदा क़स्ों के अंदर मौजूद नहीं है फिर एक वक्त वो आया

कि इनके किसी भी जुल्म और इनकी किसी भी भी और अगर बयान किया जाए वो इस तरह कहा जा सकता है कि अपनी अफरादी और अपनी मालीवत को जमा करने के साथ साथ फिक्री और जहनी तामीर का सिलसिला जारी रहा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में अपने सहाब कराम रिजवानल्ला मजमैन की फिक्री असलाह और जहनी तामीर पर पूरी कोशिश सर्फ की और इसी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

वहाँ के दुश्मनों की जानिम से ज़ुल्म और जबर और तसन्दूद और इस्तीमदात का सामना कर रहे थे। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि दुश्मना ने इस्लाम ने नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश तैयार की। उसमें मुताद्दक मंसूबे आए जिसका तस्क़ीरा कुरान में मौजूद है। वह इध्यम क इसमें उनकी मुताद तदबीरें आई कि इनको कहीं किसी मकाम के ऊपर महबूस कर दिया जाए कैद बंद की सोहबतों में इनको डाल दिया जाए या इनको मक्के से निकाल दिया जाए या इनको कत्ल कर दिया जाए लेकिन कैद बंद का फार्मूला उनकी समझ में नहीं आया शैतान जो इंसानी शक्ल में वहां मौजूद था उसने कहा कि इनके चाहने वाले तो ऐसे हैं कि जहां इनको मुक्य करोगे उसकी दीवारों को तोड़ के अपने नबी को निकाल ले जाएंगे शैतान जो इंसानी शक्ल में मौजूद था उसका यह भी मशवरा आया उस मौके पर जबकि उन लोगों ने यह तजवीज रखी थी कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम को नाऊबिल्लाक मक्के से बाहर कहीं और निकाल के भेज दिया जाए तो इब्लीस सलाइन ने इंसानी शक्ल में रहते हुए ये मशवरा दिया था कि तुम्हारी ये बात भी काबिल अमल नहीं हो सकती क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो, वो जाजमियत है ये जहाँ कहीं जाएंगे वहां के लोगों को अपना बना लेंगे इसलिए अगर तुमने इनको मक्के से बाहर निकाला जहाँ ये जाएंगे वहाँ के लोग इनके साथ हो जाएंगे फिर वो सब मिल के अगर मक्का मकरमा पे हमला करेंगे तो तुम उसकी ताब नहीं ला सकोगे और शिकस्त खा जाओगे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के मकरमा पे कब्जा हो जाएगा आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश पर सबका इत्फाक हो गया और उसमें तय ये पाया कि हजरत मोहम्मद वसल्लम जब रात में अपने घर में आराम फरमा हो तो चारों तरफ से उनके घर का मुहासरा कर लिया जाए नंगी तलवारों के साथ मुस्तैद लोग इनके घर का मुहासरा करें घेराव करें और जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले तो सब लोग मिलकर एक फर्द नहीं बल्कि सब लोग मिलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला अवर हो जाएं, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो जाए ये मंसूबा उन लोगों ने इसलिए बनाया कि ये बनो हाशिम के लोग कितने लोगों से लड़ेंगे और कितने लोगों से बदला लेने की बात करेंगे आखिरकार ये दियत पर राजी हो ही जाएंगे क्योंकि तो मुत्द कबीलों के नौजवान मुत्द कबीलों के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में शरीक होंगे किसी एक फर्द पर फर्द जुर्म आयद नहीं होगी इतने लोगों पर ये कैसे जुर्म का कोई फर्द आयद करेंगे और किस तरीके से ये बनु हाशिम के लोग उनसे इंतकाम लेने का इरादा कर पाएंगे

अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा है और अल्लाह से बेहतर तदबीर किसकी हो सकती है हकीकत यह है कि इंसान <coughs> हकीकत यह है कि इंसान की तमाम तदबीरों पर नबिश्ते तकदीर इलाही ही गालिबा के रहता है नबी करीम वसल्लम को हुक्म इलाही मिला कि आज रात ही आपको अपने घर से निकलना है और न सिर्फ ये कि घर से निकलना है बल्कि मक्के की गलियों में होते हुए अबू बकर को अपने साथ लेना है और न सिर्फ ये कि अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेना है बल्कि अबू बकर को लेकर के मक्के की गलियों को अबूर करते हुए मक्के से बाहर निकल जाना है यहीं पर अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा होगा लोग नंगी तलवारों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे हुए हैं और उनके बीच से आप निकलेंगे भी तो मुमकिन था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म किसी और रात को देता लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म ठीक उस रात को दिया जबकि सौ के करीब ये दुश्मनान इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आपके मकान का मुआसरा किए हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की दोपहर में जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस सफर से आगाह किया ताकि वो भी तैयारी कर लें हज़रत इब्न अबी तालिब करमल्ला वजहा को आपने बुलाया और उनको हुक्म दिया कि यमनी चादर ओढ़ के आप रात में मेरे बिस्तर पर लेटेंगे और जिन जिन लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हैं वो अमानतें उनके हवाले करके आप नदीन मनोवरा तशरीफ़ ले आएंगे यहाँ से आप हजरत आली करमल्ला वजहा का मकाम भी समझ सकते हैं और सिद्दीक अकबर रील्ला तुम की अजबतें भी जान सकते हैं एक बिस्तर रसूल पर लेट कर अपने नबी की खिदमत में मसरूफ़ है और एक आप सल्ला वसलम के साथ सफ़र हजरत में माहव सफ़र हैं

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए हैं उनके बीच से आप निकलते हैं मिट्टी उठाते हैं उन सब के सरों पर डाल देते हैं उनके ऊपर ऐसी अल्लाह ने तारी कर दी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सके आप उनके सरों पर मिट्टी डाल के जा रहे हैं ये इस बात की निशानी है ये तुम्हारी इस्लाम के खिलाफ बर्पा की हुई तहरीक जेर जमीन दफन होकर रहेगी तुम्हारे कोई मंसूबे इस्लाम को मिटाने में कामयाब नहीं हो सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर यहाँ के लोग मुझे निकलने पर मजबूर न करते तो मैं यहाँ से किसी हाल में भी नहीं जाता लेकिन अल्लाह का अपना निज़ाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफर हिजरत से पहले अल्लाह ने पुरान की वो नाजिल इस बात का है कि आप का सामना करना पड़ा और अल्लाह तिर उनको किस तरह उनके वतन वापस भेजा खास तौर पर हजरत मूसा का जिक्र फरमा के अल्लाह तलात वजरत से पहले यह मिसाल कायम कर दी कि वो मूसा कि जो फिरौन की की कत्ल के डर वजह से शरीफ ले गए मिस्र से आप निकले और मदियन तरीफ ले गए और वहाँ एक तवील मुद्दत गुजारी दस साल आपने वहाँ गुजारे और वहाँ से फिर अल्लाह ने आपको वापस किया और मिस्र में आपको गलबा आता फरमाया इस सूरत का नजूल और इन वाकयात का बयान करके अल्लाह ने वाजे कर दिया कि वो अल्लाह जो आपको भी मक्के से निकाल कर और फिर आपको मक्के में गबा फर चु आप सल्लामर से गारोर में तीन दिन कयाम फरमा के फिर वहाँ से आप सल्हुह वम मदीन मनोवरा के लिए रवा दवा हुए दरमियान के बहुत सारे वाकत है आप सल्लाम ने एक साल गुजारा इसमें भी आपको मुहाल्वतों का कर सामना करना पड़ा जब नबी वसल्लम ने हिजरत फरमाई यहीं से इस्लामी साल सन हिजरी के शुमार करना शुरू किया गया एक साल गुजर गया उसके बाद जब दूसरा साल आया तो सन दो हिजरी में 17 रमजान मुबारक को वो गजबा पेश आया जो इस्लामी तारीख में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है इस गे के जरिया अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेहता फरमाई और फतूहत जारी हुआ वसल्लम को, को फतेहता गोया की हिजरत मक्तुलमकरमा पे फतेह की अलामत भी थी और सब और जरिया भी था हजरत मोहम्मद वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ आपके सहाबा जो पहले हिजरत करके मदीन मुनव्वरा पहुंच चुके थे नबी अलैहि वसल्लम के बाद भी चंद सहबा का हिजरत का, का सिलसिला जारी रहा और ये हिजरत उस वक्त फर्ज थी क्योंकि मक्तमा में रहते हुए अपने दीन और अपने ईमान का बिल्कुल नामुमकिन हो गया था नबी वसल्लम ने फिर जब मक्का फतेह हो गया तो फरमाया कि फतेह मक्के बाद अब हिजरत नहीं है आपकर्मा से हिजरत करके जा रहे हैं बज़ाहिर तो यह है कि आप बहुत परेशानी में बहुत ही नामसाइद हालात में यहाँ से निकल के जा रहे हैं और अब मक्के में लौटना नसीब नहीं होगा ये इंसान की जाहिर नजरें जाहिर ही को तो देखती हैं लेकिन अल्लाह नहाय खुफिया अंदाज में अपनी तलबीरों को आगे बढ़ाता है अल्लाह का मनसूबा ये था कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्तुलमकमा से हिजरत करा के मदीने मुनव्वरा भेजा जाए और फिर वो जंगें पेश आए जिन जंगों में इन दुश्मनान इस्लाम की कमर टूट जाए और फिर मक्तुलमकमा फतेह हो जाए फते मक्का की भी एक मुस्तकिल तारीख है सत्तर रमजानक को यह गजबा गजब बदर पेश आया और इसकी जो तफसील है इसमें बड़ी वजाहतें हैं सराहतें हैं इस मुख्तसर से वक्त में चंद बातें आपकी खिदमत में गजब बदल के तालुक से अर्ज कर दूंगा मक्की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोगों की मुखालफत थी अगर वो यहाँ ठहर जाती है कि जब हजरत मोहम्मद और आपके तमाम मानने वाले मक्के से बाहर चले गए हैं तो उनका ना किया जाए उनका पीछा न किया जाए वो जिस हाल में रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए लेकिन जुल्म जब अपनी आखिरी इंतहा को पहुंच जाता है आखिरी इंतहा को तो अल्लाह का निज़ाम है कि वो जुल्म और ालिमों को या तो मिटा देता है या उनको हिदायत दे देता है आप इसी तरह का एक हिस्सा हज़रत मूसा के वाकई में देखेंगे कि हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर के जब मिस्र से निकले हैं तो फिरअन को ये सोचना चाहिए था कि चलो ये निकल गए कहीं भी जाए हमारा मिस्र तो महफूज है यहाँ के लोग हमें रब आला तो मानते ही रहेंगे इनका तकुबुब करने की क्या जरूरत है लेकिन फिर की जानब से जुल्म को पहुंच चुका था अल्लाह का मनसूबा था कि हिदायत के तमाम इस इसके लिए फ्राम किए जा चुके हैं और ये हिदायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है लिहाजा अब इस जुल्म को और इन जालिमों को मिटा दिया जाएगा सफेद को लेकर के निकले हैं तो फिर ने तौकुब क्यों किया उसे तौकुब नहीं करना चाहिए था अकलमंदी का तकादा तो यही था कि मूसा और बनो इसराइल जो उसकी रबूबियत के मुनकिर थे वो चले गए तो कहीं भी जाए उसका मिस्र तो महफूज था लेकिन अल्लाह इस जुल्म को और इन जालिमों को खत्म करने चा, करना चाहता था चुनाचे फिरौन ने इसराइल का करने के लिए हजरत मूसा अलैहि सलाम का पीछा करने के लिए अपने बड़े बड़े फौजी अफसरों को लेकर के मजबूत फौज को लेकर के वो आपका तकुबुब करता है नतीजा आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने फिरौन को और तमाम फिरौनियों को बहरकुल में बरक कर दिया और हमेशा के लिए उनका खात्मा कर दिया इसी तरह मक्के के लोग अगर ये सोच लेते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जुम्मन तमाम अहले ईमान जब मक्के से जा चुके हैं तो तीन सौ साठ महबूदों की पूजा कर रहे थे तो करते रहो तुम्हारी जिंदगी के जो दस्तूर थे उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहो लेकिन अल्लाह का मंसूबा ये था कि इन्होंने जुल्म की इंतिया कर दी है इन दुश्मन ने इस्लाम ने जुल्म को आखिरी हद तक पहुँचा दिया है अब इनका मिटाना जरूरी है तो फिर वो इस्बाब ने पैदा किए कि उन इस्बाब के तहत मुतदात पेश आए और सन आठ हिजरी में मक्का फतेह हो गया और इतफाक देखिए कि फतेह मक्का की तारीख भी सत्तारा मुबारक ही है किसी मौके पर इंशाला जब छब्बीसवें पारे में पहुंचेंगे तो फिर हम इनशाला फतेह मक्का का तस्करा करेंगे अबू सुफियान ने मक्तुलमकरमा में लोगों के सामने एक दरखास्त ये रखी कि तुम्हारे पास जितना भी माल है सोना चांदी वो सब मुझे दो मैं ये सारा माल लेकर के मुल्क शाम जाऊंगा तिजारत करूंगा और फिर नफा उठाऊंगा जो तुम्हारा असल माल है तुमको वापस कर दूंगा और जितना नफा मिलेगा उसके ऊपर वो सारा नफा मुसलमानों के खिलाफ जंगों में झोंक दूंगा ये बात मलहूज खातिर रहनी जरूरी है ताकि जंग बद्र की बुनियाद समझ में आ सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अः मदीन से मौजूदा पैमाइश के मुताबिक जो सफर करते हैं तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है जहां पर गजब बद्र हुआ था ये फकीर मुतद मरतबा वहां गया है तकरीबन 120 किलोमीटर का फासला है मौजूदा शारा है आम से उस जमाने में घोड़ों से और ऊँटों से सफर होता था ऐसी सड़कें नहीं थी तो तकरीबन 80 मील का फासला समझ लीजिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर अबू सुफियान को घेरने की कोशिश क्यों की उसकी वजह आपको अबू सुफियान के इस सफर शाम के जो अगरादो मकासद हैं उनको समझा समझना जरूरी है इसके बगैर गजब बद्र की जो बुनियादी हकीकत है वो समझ में नहीं आ सकती तो अबू सुफियान ने मक्के के लोगों का माल सोना चांदी बहुत सारा इस शर्त पर इकट्ठा किया कि हमें दो क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ हमें जंगे लड़नी है तुम्हारा जितना माल है सोना चांदी वो सब तुमको वापस कर दिया जाएगा अलबत् उस पर जो प्रोफिट मिलेगा उसके ऊपर जो नफ़ा मिलेगा उस नफा के जरिया से हम मुसलमानों के खिलाफ जंगे करेंगे और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे नबी वसल्लम को हकीकत से ही हो गई आप सलाम ने अबू सुफियान की वापसी पर तकुब करना चाहा लेकिन अबू सुफियान को इसकी इतला मिल गई क्योंकि वो भी बहुत होशियार आदमी थे तो अबू सुफियान ने फौरन मक्का मुकरमा में खबर भेजी कि यह सूरत हाल है मदद करने के लिए आ जाओ इन हालात में मकतुल मुक्रमा से तकरीबन शुरू में तेरह सौ लोग चलने का इरादा करते थे उसमें से फिर तीन सौ लोग रुक गए और कुल मिला करके एक हजार जाबाज एक हजार बड़े मजबूत हट्टे कट्टे लड़ने वाले लोग नबी अलैहि वसल्लम और आपके सहाबिक राम रजान तजमैन के खिलाफ जंग करने के लिए वहां से चल देते हैं अबू जहल इस पूरी फौज का कमांडर था सिपेस था इसी की क्यादत में जंग लड़ी जानी थी शुरू में इन लोगों की हिम्मतें कुछ पस्त तो हो गई थी लेकिन सुराखा इन मालिक की शक्ल में शैतान इबलीस उनकी हिम्मत मजबूत करता रहा उसने ये कहा कि घबराओ नहीं मैं तुम्हारे साथ में हूँ मैं तुम्हारे पड़ोस में रहूंगा इसका पारे में मौजूद है और उसने कहा कि डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है ये शैतान ने हिम्मत दिलाई है अगर आप इस्बाब के दर्जे में देखें तो गजव बद्र के बर्पा होने में शैतान का किरदार भी बहुत अहम है और शैतान ने उन लोगों को उकसाया ना होता तो शायद वो लोग हिम्मत की पस्ती की वजह से फिर गजब बद्र के लिए ना आते लेकिन अल्लाह तब

शैतान ने उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनके अमाल को मुजयन करके उनके सामने पेश किया वह मौका याद करने के काबिल है जबकि शैतान ने उन इस्लाम के खुशगवार अच्छा बना के पेश किया और ये कहा ला लोगों में से आज तुम्हारे ऊपर कोई गारिब नहीं आ सकता वह इन झारकम और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ लेकिन फिर एक वक्त वो आया जिसका तस्करा अभी बाद में करूंगा कि फरिश्तों का रजूल हुआ तब सुराखा इतने मालिक की शक्ल में शैतान ने जो कुछ किया कुरान ने उसको नकल किया है लेकिन वो बात आपकी समझ में जब आएगी जब हम उस मौके पर पहुंचेंगे गरज ये कि शैतान ने भी इन लोगों की बड़ी हिम्मत अफजाई की कि भागने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप आसान लफ्जों में समझे तो यूँ कह सकते हैं कि शैतान ने उन लोगों को घेर के वहां मरवा दिया अगर ये हिम्मत अफजाई न करता तो आप यकीन जानिए जंग ही बर्पा न होती शैतान का ये बड़ा किरदार है गजब बदर के बर्पा कराने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा उनकी तादाद क्या है सिर्फ तीन सौ तेरह तीन सौ तेरह को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं सिर्फ दो घोड़े हैं और सत्तर ऊंट हैं आप अंदाजा करें कि ये तीन सौ तेरह लोग किस तरह दो घोड़ों पर और सत्तर ऊंटों पर किस तरह पहुंचे होंगे मदीने मनोवरा से मैदान भद्र तक

और मैदानी बदे हैं उसके दोनों है। अल्लाह का फरमान वो मौका याद करने के काबिल है जबकि तुम यानी नबी सब को खिताब है कि तुम अदुल के पर थे बिल उदुल और वो

Allah आपको कभी तोफ़ी कता फरमाए तो आप बद्र जाए और वहां आपको कोई अच्छा गाइड मिल जाए तो आपको बतला देगा कि यह हैदतुल दुनिया और ये है ये फकीर बद्र में दे चुका है वहां जाकर पहली बार मैंने इस आयत को समझा बिलौद दुनिया के माने आते हैं करीब और के मान आते हैं दूर और बाईब अलुद दुनिया ये वो रे, रेतीला पहाड़ है जो मदीने से करीब था बद्र में जहाँ पर दुश्मन ने, ने पड़ाव डाला था वो जगह मदीने से इस रेतीले पहाड़ के बिलमकबिल दूर थी तो कुरान ने ताबीर ये दी है किसबा वो मौका याद करने के काबिल है जबकि तुम अलउव दुनिया पर थे यानी उस रेतीले पहाड़ पर जो मदीने से करीब है पड़ाव डाल चुके हैं और दुश्मना ने इस्लाम के हिस्से में बड़ी पुख्ता और मजबूत जमीन आई है पथरीली जमीन आई है नशेबी इलाका उनके हिस्से में आया है वल्लाह का निजाम देखिए कि बारिश नाजिल फरमाई जिधर दुश्मना इस्लाम थे उधर बारिश बहुत तेजी के साथ में हुई मूसलाधार बारिश हुई और जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रेतीले पहाड़ पे थे इधर फुहार बरसी हल्की बारिश हुई जिसके नतीजे में वो रेतीला पहाड़ जम गया मजबूत हो गया सहाबा के पैर उसके ऊपर जमने लगे कुरान ने इसका भी तस्करा किया है और इस तरह वाजे किया है इस हकीकत को कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी मदद फरमाई

बदन में चूंकि बहत्तर फीसद पानी होता है जब इंसान गसल कर लेता है तो फिर वो पानी उसके बदन से जैसे ही आ, मिलता है बदन पे पड़ता है तो फिर बदन को बड़ी राहत मिलती है क्योंकि बहत्तर फीसद पानी अगर बदन में मौजूद है तो पानी जब पानी के साथ में मिलेगा तो बड़ी लज्जत महसूस होती है बड़ी राहत महसूस होती है बड़ा निशात महसूस होता है तो लियो वीबान शैतान और ताकि उसके दरिया से अल्लाह शैतान की गंदगी तुमसे दूर कर दे वालूबी कुम और अल्लाह बारिश के दरिया से तुम्हारे दिनों को मजबूत कर दे और उसके दरिया से अल्लाह तुम्हारे कदमों को साबित सबात अता कर दे क्योंकि रेत के ऊपर चलना मुश्किल रेत पे दौड़ना मुश्किल अल्लाह तारिश के जरिया से उस रेत को पुख्ता कर दिया उसके जरिया से उनके कदम उसके ऊपर जम गए अल्लाह ताला ने नबी करीम वसल्लम से वादा कर रखा था कि इस जंग में आपको ही कामयाबी मिलेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआओं में गुजारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं सिद्दीक अकबर भी आपके साथ मौजूद हैं आपके लिए एक छोटी सी झोपड़ी वहां बना दी गई थी और जहां आप सलातो के लिए वो छोटी सी झोपड़ी बनाई गई थी जिसमें आपने मैदान बद्र में कयाम के दौरान अपनी अपने अपने औकात गुजारे थे वहां पे एक बड़ी मस्जिद बनी है उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मस्जिद अरीश उसी मकाम पर उस मस्जिद को बनाया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं और आपकी चादर कंधे से उतर के जमीन पर गिर जाती है सिद्दीक अकबर कहते हैं बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआएं मांगी हैं अल्लाह की बारगाह में जरूर मकबूल होंगी आप ने यहाँ तक कि अपने साहबा के सामने निशानदेही कर दी थी कि इस बद्र के मैदान में फुला मुकाम पर फुला दुश्मन मारा जाएगा और फुला मुकाम पे फुला दुश्मन मारा जाएगा और फुला मुकाम पे फुला दुश्मन मारा जाएगा काबा की कसम गजब बद्र के मुंतही होने के बाद जब साहबा ने देखा तो हर दुश्मन उसी मकाम पे कत्ल किया हुआ पड़ा था जिसके बारे में नबी आखर हजरत मोहम्मद ने खबर दी थी अल्लाह अपने नबी को ग़ैबी खबरें दे देते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गैबी खबरों को अपने के सामने मुनक कर देते ये गैब की हकीकत थी ये गैबी खबरें थी जो अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर मुनकशिफ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी गैबी ख़बर को लोगों के सामने अपने साहबा के सामने उजागर किया तो ये था अल दुनिया जो रेतीला पहाड़ आज भी मौजूद है आप जाए गजब जहाँ हुआ था मैदान बद्र में तो आप जाके देखेंगे वो रेतीला पहाड़ आज भी अपनी चनो शौकत के साथ में कायम है जब आप उसको अपनी आंखों से देख लेंगे तो आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि अल अदवत दुनिया दु क्या है और जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्म, दुश्मन दुश्मन मौजूद थे दुश्मन ने इस्लाम ने यहां डेरा डाला था वो पख्ता हिस्सा था पथरीला हिस्सा था नशेबी इलाका था उसमें तेज मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भर गया और उनके लिए एक मुसीबत बन गई वही बारिश अहले ईमान के लिए न्यामत है और वही बारिश उस मौके पर दुश्मनान इस्लाम के लिए बाइश अहमत बनी उनको भागे रास्ता नहीं मिला गर्ज यह कि फिर अगले दिन जब गजवा बद्र शुरू हुआ गजवा शुरू होता है तो उस ज़माने में जिहाद करने और लड़ने और गजबा करने के जो तरीक़े हुआ करते थे वो आज के दौर की जंगों से बिल्कुल अलग हैं पहले एक एक आदमी एक दूसरे के मुकाबले आते थे फिर जिसका आदमी कत्ल हो जाता था उसके खेमे के लोगों में और जोश पैदा होता था और जिसका आदमी कत्ल कर देता था उसमें और हौसला बढ़ता था इस तरीके से मुबारसत हुई और फिर उसके बाद वो जंग बर्पा हो गई अल्लाह ताली ने वादा ये किया

तो शैतान सुराका इब्न जाशम की शक्ल में जो उनके साथ मौजूद था जब उसने देखा कि फरिश्तों का नजूल शुरू हो गया तो भाग खड़ा हुआ और जब भागा है तो उससे लोगों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हारी हिम्मत दिलाने पर ही तो हम इस मैदान में आए हैं तुमने हमारी हिम्मत अफजाई की और यह कहा था कि ला इन लोगों में लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई और फरिश्तों का नजूर शुरू हुआ तो ये फौरन उल्टे पाओ भागने लगा कुरान का बयान न कसा अला भाई। दोनों एड़ियां मोड़ी और वो भाग खड़ा हुआ पीठ मोड़ के तो उन लोगों ने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर तुम्हारी हिम्मत अफजाई पर ही तुमने जंग शुरू की थी तो उसने कहा शैतान का बयान सुनिए कुरान के अल्फाज में इन्नी बड़ी उम मिन मैं तुमसे बरी हूँ मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इन आराम जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो हकीकत है उस शैतान ने फरिश्तों का नजूल देख लिया वो इंसान दुश्मन ने इस्लाम तो फरिश्तों को नहीं देख सकते थे तो वो इंसानी शक्ल में राखा इबन मालिका कर रहा था वो भाग खड़ा हुआ और ये करके भागा है, इन्नी बरी, बरी हूँ तुम, तुम देख भी नहीं सकते इन अखाफुल्ला शैतान का बयान बड़ा अजीब है वो कह रहा है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ अल्लाह शदीदुल और अल्लाह तख्त सजा वाला ये वो भाग गया फिर क्या हुआ उस मैदान बद्र में चौदह साहब इक्राम रिजवान तलाजमाइन शहीद होते हैं पूरी जंग बद्र में तीन सौ तेरह थे ये उधर एक हजार लोग थे 313 में से 14 साहबा रजवान तम जाम शादत फरमा लेते हैं 14 में से 6 साहबा तो महाजरीन हैं और 8 अंसारी साहबा हैं ये उनकी कुर्बानियां हैं इस पहली जंगीम में हजब कुबरा में यानी जो 14 साहबा शहीद हुए उनमें से 6 तो हैं महाजरीन साहबा और आठ हैं अंसार साहबा लेकिन जो दुश्मनान इस्लाम थे जिनको अपनी ताकत पर अपनी शौकत पर अपनी कुत पर अपने जाहो जनाल पर बड़ा भरोसा था उनके एक दो नहीं बल्कि बड़े-बड़े रईस मारे गए अबू जहल जैसा जो जो इस पूरी फौज का कमांडर था, जो था वो भी किया गया और बहुत बेदर्दी के साथ में लोगों का कत्ल किया गया क्योंकि ये लोग अः में और अपनी शान शवकत को बघारने के लिए बड़ी बुरे अंदाज में पेश आ रहे थे गरज ये की सत्तर बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम वहीं जमी बोस हो जाते हैं जमी दोज हो जाते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन दुश्मनों के बारे में बताया था कि ये फुला मुकाम पर शहीद होगा ये फुला फुला किया जाएगा ये फुला किया जाएगा उसी उसी मकाम पर उन दुश्मना इस्लाम को मकतूल पाया गया आप अंदाजा करें कि साहब कराम निजवा मजमाइन के ईमान और नबी सल्हुसम के बयान पर उन साहबा को कितना एतमाद था अल्लाह ऐसा मजबूत ईमान हमें और आपको भी अता फरमाए नबी

ये अल्लाह उसके रसूल के दरमियान की बातें हैं इसमें हमें और आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है रसूल अपने अल्लाह से कह रहे हैं और अल्लाह अपने रसूल से वादे कर रहा है और उन्हीं वादों के नतीजे में गजब बदर में रसूल को और आपके साहबा को बेमिसाल फतेह मिलती है तो ने इस्लाम के सत्तर बड़े लोग छोटे मोटे नहीं बड़े सत्तर लोग मारे गए और सत्तर ही गिरफ्तार हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जहां भी करने के लिए तशरीफ ले जाते थे तो जंग के खत्म होने के फौरन बाद <coughs> जंग के खत्म होने के फौरन बाद आप मैदान नहीं छोड़ते थे तीन दिन तक आप वहीं कयाम फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र में भी तीन दिन तक कयाम फरमाया ये जितने लोग मारे गए थे दुश्मन ने इस्लाम इन सबको नबी सल्लाह वसलम ने एक कुएं के अंदर डलवा दिया वो कुआ आज भी मौजूद है लेकिन उस हद में है कि वहां जाना जायरीन के लिए ममनू है जा नहीं सकते दूर से आप देख सकते हैं उस कुएं के ऊपर पहाड़ का कुछ हिस्सा ऐसे झुका हुआ सा भी है उसके नीचे वो कुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मकतूदीन को उस कुएं में डलवाया फिर आप वहाँ तशरीफ भी ले गए उनसे कहा कि क्या तुमने वो सब कुछ न पा लिया जिसका तुमसे वादा किया गया था ये आप सल्लाह उनसे गुफ्तमु है महावे कलाम है मर तुझा भी था मोहता का एक मौजूद इस 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 पर भी हम गुतु करेंगे तफसी के साथ बड़ी तहकी मौजू पर आ चुकी हैं और इस फ़खीर ने भी काफी तहकी नबी सलम के जो सहाबा थे चौदह जो शहीद हुए थे इस मैदान बद्र में गजब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उसमें मुहाजरीन थे और आठ अंसार साहबा थे उनको नबी सफन फरमाया मैदान बद्र में जब आप जाएंगे पूरा नक्शा एक दीवार के ऊपर बना करके वहाँ की मुंतजिमा ने समझाया है कि कहाँ हुआ कैसे हुआ कौन कौन शहीद हुए और किस तरीके से आ, किस मकाम पर साहबा को दफ्न किया गया तो शहदाय बद्र का जो कब्रिस्तान है जब कभी आपको मौका मिले वहां जाए तो उन शहदाय बद्र की खिदमत में सलाम पेश करें और बद्र के ताल्लुक से एक बात अगर हमारी और आपके जहनों में बसी रहे तो ज्यादा है कहाँ से वाबस्ता है।, है बद्र से और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद नबी करीम सलम ने अल्लाह अल्ला से कहा था कि अल्लाह अगर आज ये मुठ्ठी भर जमात यहाँ खत्म हो जाती है तो फिर इस रुए जमीन पर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा अल्लाह आपकी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा अल्लाह ने उस मुठी भर जमात को फोकियत अता फरमाई फतेह अता फरमाई दुश्मन ने इस्लाम को जेर किया उनके सत्तर लोग मारे गए बड़े लोग और सत्तर ही उनके गिरफ्तार हुए अगर उस दिन वो जमात वहां खत्म हो जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक हमें और आपको आज ये ईमान की दौलत कैसे मिलती मैदान बद्र में उस जमात सहाबा का बाकी रहना और उनके दरिया से ईमान का आगे बढ़ना वही ईमान हमारे और आपके पास बढ़ते बढ़ते पहुंचा है वो या हमारे ईमान का बुनियादी सिलसिला ये मैदान बद्र से कायम है अगर उस दिन वो साहबा बाकी वहां न रहते तो फिर हम और आप कैसे अल्लाह की इबादत करते कैसे हमें और आपको ईमान की दौलत मिलती ये दरमियान में मैंने एक अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन के बाद बद्र से वापस तरीफ लाते हैं मदीन मुनव्वरा आप बद्र में जाते हुए मकाम रोहा पर ठहरे थे, थे। वहां एक कुआ है वो कुआ आज भी मौजूद है और ये इतना अहम मकाम है कि जो शाहराह आम मुकरमा से मुल्क के शाम जाती है और मुकरमा के जितने तजारती काफिले या जो भी कोई मुसाफिर शाम जाना चाहता था वो इसी शाहराह से जाता था मदीने मनवरा से कुछ फासले पर जहां पर यह वीर रोहा है उसी से मुक्त वो शाहरा आम गुजरती है जो मक्का मुकरमा से मुल्क शाम तक पहुंचती है पहाड़ियों के दरमियान अल्लाह ताला ने यह सिलसिला कायम किया है रास्ता बनाया है जितने अम्बिया कराम मुल्क शाम से हज करने के लिए आए वो तमाम की तमाम अम्बिया कराम मुल्क शाम से चलकर इसी रास्ते से मक्त मुकरमा पहुंचते थे तो जहां पर बीर है वहां पर तमाम अम्बिया ने जो इस रास्ते से गुजरे हैं नमाजें पढ़ी हैं और थोड़ी देर कयाम किया है बीर बीरोहा वहीं पर है वो कुआ है कभी आपका जाना हो तो बीर अरोहा के पास जाए और देखें वह बीम तरती वशीद

जो सत्तर लोग गिरफ्तार होके आए थे उनको मस्जिद नबी के सहन में खूंटे गाड़ के और उनके हाथों को रस्सियों से बांध करके उन खूंटों में बांध दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखी आपकी राफ़त देखी आपकी करीमी और रहीमी देखिए कि आपत रात में उठकर उन कैदियों की हालत देखने के लिए कि किस हाल में ये कैदी रात गुजार रहे हैं आप अलैहिस्सलाम उनके दरमियान में आ जाते हैं अगर किसी की रस्सी ज्यादा सख्त बंधी थी आप अलैहिस्सलाम उसको ढीला करते हैं आप के चाचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मत्तलिब ये उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और अपने भतीजे के खिलाफ आए थे जंग-ए-बदर में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अब चोंकी गिरफ्तार लोगों में चचा भी शामिल हैं इनकी रस्सी कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ में बांधी गई थी आपकी रस्सी को ज्यादा कस दिया गया था आपको ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास जाते हैं अपने चचा के पास कुरान ने सच कहा है लकद जाकुम रसूलु मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम अजीज उन आ रही तुम तुम्हें जो कोई तकलीफ पहुंचती है वो तुम्हारे नबी तुम्हारी तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे और सर्दी का मौसम था इन लोगों को ठंड भी लग रही थी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तने मुबारक पर बदन मुबारक पर जो कपड़ा था बड़ा हल्का था और जंग की वजह से वो कपड़े जगह जगह से फट भी गए थे तो आपको सर्दी और ज्यादा लग रही थी बहुत रहीम शहीम थे हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मतली बर नबी वसल्लम उनके पास आए आपको कराहने की आवाज महसूस हुई आपने जाके देखा तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह करा रहे हैं क्योंकि रस्सी भी बहुत टाइट थी और तन बदन के ऊपर जो कपड़ा था वो भी जगह जगह से फटा हुआ था आपको सर्दी भी लग रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में निकले और तमाम कैदियों की हालत देखी हजरत अब्बास की रस्सी को ढीला किया और चचा के लिए कपड़े मांगे अब चचा बड़े लहीम शहीन थे मदीने के लोगों में से किसी के पास ऐसा लिबास नहीं था जो चचा अब्बास के तन बदन पर फिट हो सकता

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने लिखने को भी जरिया बना दिया कि जो हमारे इंसाबा को इतना पढ़ना लिखना सिखा दे उसको आजाद उसको आज़ादी दे दी जाएगी इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ में बड़ी राफत और बड़ी रहमत का मामला फरमाया और आप रही सलातम का मिजाज ये था कि आप पर अगर कोई एहसान करता था तो हतमान आप इसी दुनिया में उसके एहसान का बदला चुकाने की कोशिश फरमाते थे फिर वो वक्त वो 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 आया थे, थे।, थे लेकिन बहरहाल बाप का इंतकाल हुआ है तो उनके साहबजादे नबी सदमत में आए और अर्ज किया कि या थुछुण थुछुण अगर आप अपना कुर्ता इनायत फरमा दें ताकि मैं अपने बाप को उसमें दफन कर दूँ तक कफन दे दूँ तो आप सलात ने अपना कुर्ता दे दिया और ये कुर्ता देना उसते दुनिया में जो लोग हमारे साथ में एहसान करते हैं हम नबी सलाम की इस सुनत को अपनाते हुए किसी ना किसी तरह मुमकिन तरीके पर उनके एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करें अल्लाह हम सबको अमल की तोफ़ी अता फरमाए इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू